रश्मि शर्मा के अपकमिंग ब्रांड न्यू शो पर आई है बड़ी अपडेट सामने। टीवी इंडस्ट्री के ये जाने माने सितारे हुए शो की कास्टिंग के लिए लॉक। क्या है फुल डिटेल्स इस पॉपुलर अपकमिंग शो से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट कास्टिंग की, आइए जानते हैं आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। पहले आपको बता दें, लंबे वक्त से रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का ये अपकमिंग शो जो कि जल्द ही कलर्स टीवी पर प्रसारित होता हुआ नजर आएगा, अपनी कास्टिंग को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था। पहले तो खबरें थी कि शो में सिम्बा नागपाल लीड रोल में नजर आने वाले हैं, मगर खबरें कि अपने अदर प्रोजेक्ट्स के कारण एक्टर ने इस पॉपुलर शो की कास्टिंग को क्विट कर दिया है। खबरें कि अब शो में लीडिंग किरदार में नजर आएंगे टीवी के फेमस एक्टर अविनाश मुखर्जी, जो कि पहले भी इस पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर चुके हैं अपने फेमस शो ससुराल सिमर का सीजन 2 में। तो वहीं खबरें कि अब इस शो की कास्ट के लिए एक्टर को लीडिंग किरदार में फाइनल कर दिया गया है। तो वहीं खबरें कि टीवी की फेमस एक्ट्रेस ज्योति मुखर्जी, जो कि तेरा मेरा साथ रहे में भी अपने कैरेक्टर को लेकर चर्चा का विषय बनी थी, खबरें कि ये वेटरन एक्ट्रेस शो में एक मदर फिगर किरदार में नजर आ सकती हैं। खबरें कि इस पॉपुलर शो की कास्ट को एक्ट्रेस ने ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल एक्ट्रेस के किरदार पर उस तरीके की बड़ी अपडेट्स खुलकर सामने नहीं आई। तो वहीं खबरें के शो में फीमेल लीड रोल के लिए मेकर्स ने टीवी की फेमस एक्ट्रेस प्राप्ति शुक्ला को कंफर्म कर दिया है, जो कि खबरें के मोस्ट प्रोबेबली एक्टर अविनाश मुखर्जी के संग ही पेयर की जा सकती हैं एज लीडिंग कास्ट के तौर पर। ये इससे पहले राधा कृष्णा और कई बिग और लाइन रिलेटेड शोज में अपने किरदारों को लेकर चर्चा का विषय बन चुकी हैं। खबरें कि एक्ट्रेस अब जल्दी इस फेमस शो से अपना कमबैक करने जा रही हैं। वेल, आपको बता दें, खबरें कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का ये अपकमिंग शो कलर्स टीवी पर जल्दी प्रसारित किया जाएगा, जो कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के ही फेमस शो सुहागन के ऑफ एयर डेट के बाद अनाउंस होता हुआ नजर आएगा। तो वेल, आप कलर्स टीवी के इस अपकमिंग ब्रांड न्यू शो में इन दोनों ही बड़े सेलिब्रिटीज को देखना चाहते हैं कि नहीं? वेल, अपनी राय शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।